बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू सोच में खुश आमदीद। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ। ड्रामा मेरे पास तुम हो की आखिरी किस्त लीक हो गई। तफसीलात के मुताबिक शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले ड्रामे मेरे पास तुम हो की आखिरी किस्त सोशल मीडिया पर लीक हो गई है। निजी टीवी चैनल की जानिब से दावा किया गया है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में दिखाया जाने वाला ड्रामा मेरे पास तुम हो का इंतजार नाजरीन बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं। इसकी आखिरी किस्त सामने आ चुकी है। लीक शुदा किस्त के मुताबिक बताया गया है कि महविश का किरदार अदा करने वाली ऐजा खान की मौत हो जाएगी, जबकि शहवार का किरदार अदा करने वाले अदाकार अदनान सदीकी को उम्र कैद हो जाएगी। तमाम ड्रामे के हीरो दानिश का किरदार अदा करने वाले हुमायूं सईद और हिरा मानी की शादी हो जाएगी। तमाम हैरानकुन बात यह है कि ऐसा होगा कैसे। इस लम्हे में जब शहवार की बीवी उसको माफ कर चुकी और महविश खुद सीधे रास्ते पर चल चुकी, तमाम इस बारे में दावा करते हुए कहा गया है कि दानिश अपनी साबका बीवी से मिलने के लिए पुराने फ्लैट पर जाएगा जहाँ पर दानिश का सामना शहवार से होगा, जिसके बाद तमाम तार तलखियों को याद करते हुए शहवार के दिल में बदले की आग भड़क उठेगी। बदला लेने के लिए शहवार दानिश की जाने पिस्तौल उठाए आगे बढ़ेगा और फायर कर देगा। दानिश की साबका बीवी महविश उसे बचाने के लिए आगे बढ़ेगी और शहवार के चलाए फायर अपने सीने में खा लेगी, जिससे महविश की मौत हो जाएगी। बाद अज़ां अदालत शहवार को कत्ल के मुकदमे में उम्र कैद की सजा सुना देगी। रूमी की टीचर हानिया दानिश से शादी कर लेगी। वाज़े रहे इससे कबल सीनियर अदाकार अदनान सदीकी ने कहा था कि मेरे पास तुम हो को मामूल का ड्रामा समझकर काम करने की हामी भरी और मैंने सोचा भी नहीं था कि इसके आने और होने से अरूसा की मकबूलियात का दौर वापस आ जाएगा। मैंने जो किरदार अदा किया वो सिर्फ कहानी के मुताबिक था और मेरे ख्याल में इस ड्रामे में हुमायूं सईद ने हमदर्दियाँ समेटी हैं। नाजरीन, पाकिस्तानी ड्रामों में से आप मेरे पास तुम हो ड्रामे को 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और कोने पे मौजूद घंटी के निशान को दबा दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।